सोलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ एंड मस्त होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच जो T20 फर्स्ट मैच होने जा रही है उसके बारे में। ये मैच कहाँ पे होगी, पिच रिपोर्ट कैसा होने वाला है, वेदर रिपोर्ट कैसा होने वाला है, एवरेज स्कोर क्या जाने वाला है, कौन कौन से प्लेयर खेले जाने वाले हैं उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ जो प्लेयर हमारे लिए बेस्ट होंगे वो आपको यहाँ पे एक टीम बना के दे दिया जाएगा, जिस टीम में आपको मिलेंगे 5 से 6 टीमों का कैप्टन वाइस कैप्टन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं ये मैच कहाँ पे होने जा रही है। ठीक है, जैसे आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा डॉक्टर रेड्डी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में ये मैच होने जा रही है। वहाँ की पिच की बात करें तो पिच जो है यहाँ पे बैलेंस है और पेसर्स बॉलर का चलने वाला है। ठीक है, और स्विंग होता है बैलेंस पिच पे, तो आप यहाँ पे स्पिनर बॉलर को भी कॉम्बिनेशन बना के चले। ठीक है, तो यहाँ पे आपको टीम तो मिल ही जाएगा। साथ ही बात करते हैं वेन्यू स्टेट्स की, तो यहाँ पे वेन्यू स्टेट्स आपको देखने को मिल रहा होगा आज का कुछ इस तरह से। यहाँ पे टोटल मैचेस जो प्ले हुए हैं वो 10 हैं, जिसमें से बैटिंग फर्स्ट करने वालों ने 3 मैचेस विन करे और इसमें से बॉलिंग फर्स्ट करने वालों ने 6 मैचेस विन करे। ठीक है, और यहाँ पे टोटल टाई जो है 0 हुआ है। और यहाँ पे बात करें एवरेज स्कोर की, तो एवरेज स्कोर 277 प्लस जा सकता है। और यहाँ पे हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो हाईएस्ट स्कोर यहाँ पे बने हैं 387 5 विकेट के नुकसान पे। ठीक है, और बात करते हैं लोवेस्ट स्कोर की, तो लोवेस्ट स्कोर यहाँ पे है 79 पे 10 विकेट। तो 79 पे 10 विकेट यहाँ पे रहे हैं लोवेस्ट स्कोर। इसका मतलब जो है यहाँ पे विकेट अच्छे खासे गिरते हैं, तो आप बॉलर में जो है 4 से 5 बॉलर जरूर से जरूर सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, सो जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा स्कोरिंग पैटर्न। तो आज का जो स्कोरिंग पैटर्न है कुछ इस तरह से है, बिलो स्कोर 200 यानी कि 200 से नीचे जो है यहाँ पे एक बार रन बने हैं, और बिटवीन 200-249 के बीच जो है यहाँ पे एक बार रन बने हैं, 249 और 299 के बीच जो है यहाँ पे 5 बार रन बने हैं, और 300 से ऊपर जो है यहाँ पे 3 बार रन बने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो है 249 और 299 के बीच जो है रन बने हैं, तो इसका मतलब ये है कि आराम से जो है 277 के आसपास रन यहाँ पे बन जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा इंडिया का प्रोबेबल प्लेयर। तो आज का जो प्रोबेबल प्लेयर है, कौन कौन से प्रोबेबल प्लेयर खेले जाने वाले हैं उसके बारे में देख लेते हैं, जान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा यशस्वी जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड़, शिव कुमार यादव, तिलक वर्मा, ईशान किशन, रिंकू सिंह, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा और रवि बिश्नोई। तो ये सारे प्लेयर जो है T20 फर्स्ट में खेले जाने वाले हैं। ठीक है, सो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं ऑस्ट्रेलिया से कौन कौन से प्रोबेबल प्लेयर खेले जाने वाले। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा ट्रेविस हेड, मैथ्यू शॉट, स्टीवन स्मिथ, ग्लेन मैक्सवेल, टिम डेविड, मैथ्यू वेट, मार्कस स्टोनिस, सीन एबॉट, नाथन एलिस, जैसन बैरनडॉफ, एडम जंपा। तो ये जो प्लेयर हैं आपको खेलते हुए नजर आ सकते हैं ऑस्ट्रेलिया से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा हेड टू हेड मैचेस। इन दोनों के बीच हेड टू हेड मैचेस जो हैं T20 फर्स्ट का 25 मैचेस हुए हैं, जिसमें से 15 मैचेस विन करे हैं इंडिया ने और 10 मैचेस विन करे हैं ऑस्ट्रेलिया ने। और जिसमें से रिसेंट फॉर्म की बात करें, तो रिसेंट फॉर्म में यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 मैचेस विन करके रखे हुए हैं ऑस्ट्रेलिया ने और एक में जो है न्यूट्रल रहा है। ठीक है, और इंडिया की बात करें तो इंडिया ने 5 में से 5 मैचेस विन करे हैं। सो चलिए आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा ट्रम्प कार्ड प्लेयर। तो आज का जो ट्रम्प कार्ड प्लेयर है कुछ इस तरह से होने वाला है, टी हेड, यशस्वी जायसवाल, आर गायकवाड़, आर सिंह, ए सिंह, जे बैरनडॉफ। तो ये जो प्लेयर है आज के ट्रम्प कार्ड प्लेयर है, इसको आप सभी टीमों में सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे आप 5 to 6 टीम बना रहे हैं तो सभी टीमों में आप सेलेक्ट कर लेंगे, अगर आप 20 टीम बना रहे हैं तो उसमें भी आप सेलेक्ट कर लेंगे, ये आपके गेम चेंजर प्लेयर बन सकते हैं। ठीक है, तो इनको आपको सभी टीमों में सेलेक्ट कर लेना है। साथ ही बात करते हैं रिस्क कैप्टन वाइस कैप्टन की, जैसे रिस्की कैप्टन वाइस कैप्टन आपको बनाना है, रिस्क के साथ जाना है इसके साथ, तभी आप SLGL और मिनी GL विन कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर आप GL ज्वाइन करते हैं तो आपको थोड़ा बहुत रिस्क लेना ही चाहिए, और ईशान किशन, एसबॉट, एडम जंपा और आर सिंह के साथ आप रिस्क ले सकते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन में, रिस्की कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं सेफ कैप्टन वाइस कैप्टन की, तो सेफ कैप्टन वाइस कैप्टन में आप टी हेड, ग्लेन मैक्सवेल, यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ को आप बना सकते हैं। यहाँ पे आपके लूज करने के चांसेस काफी कम रहते हैं और विनिंग चांसेस यहाँ पे रहते हैं, लेकिन आप जितना इन्वेस्ट करते हैं उतना ही आपके आने के चांसेस रहते हैं या फिर कुछ ज्यादा। आप GL विन नहीं कर सकते हैं अगर आप सेफ जोन में खेलते हैं, सेफ कैप्टन वाइस कैप्टन सेफ प्लेयर के साथ खेलते हैं, तो अगर आप थोड़ा बहुत भी रिस्क लेते हैं तो आप जो है GL विन कर पाएंगे, GL यानी कि ग्रैंड लीग विन कर पाएंगे। ठीक है, सो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फिक्स कॉमन प्लेयर की। तो आज का जो फिक्स कॉमन प्लेयर है वो कुछ इस तरह से है, सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, अर्शदीप सिंह, जे बैरनडॉफ,
ट्रेविस हेड और यहाँ पे मार्कस एस्टोलिस। तो ये जो प्लेयर है ये आज के फिक्स कॉमन प्लेयर है जिसको आपको सभी टीमों में सिलेक्ट करना है। अगर आप 5 से 6 टीम बना रहे हैं उसमें भी, और 20 टीम बना रहे हैं उसमें भी, या फिर 50 टीम बना रहे हैं उसमें भी, जब आप जितने भी टीम बना रहे हैं सभी टीमों में आप सिलेक्ट कर लेंगे इसको। और इसके बाद जो प्लेयर बच जाते हैं उसको कहाँ पे और कैसे सिलेक्ट करना है, तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा जीएल रोटेटिंग प्लेयर। तो फिक्स प्लेयर को सिलेक्ट करने के बाद जो प्लेयर बच जाते हैं उसमें आपको रोटेट करना है जीएल रोटेटिंग प्लेयर को। जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रहा है ऋतुराज गायकवाड़, तिलक वर्मा, तो इन दोनों को आप सिलेक्ट कर लेंगे फर्स्ट वाले टीम में, या फिर आप इन तीनों को सिलेक्ट कर लेंगे, शिवम दुबे, तिलक वर्मा और ऋतुराज गायकवाड़ को, ठीक है। और इन तीनों को ड्रॉप करने के बाद आप टीम डेविड, ट्रेविस हेड, नाथन एलिस के साथ जा सकते हैं, इनको आप सेकेंड टीम में सिलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरह से आप सभी टीमों में रोटेट कर लेंगे, जो कि आपका हो जाता है कुछ इस तरह से, ऋतुराज गायकवाड़, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, टीम डेविड और यहाँ पे ट्रेविस हेड, नाथन एलिस, रवि बिश्नोई, ये सारे प्लेयर आपके हो जाते हैं, ठीक है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं स्मॉल लीग की, जो कि आपको स्मॉल लीग में सिलेक्ट करना है तभी आप SL विन कर पाएंगे, SL, ठीक है। SL विन करने के लिए आपको क्या करना होगा, इंडिया से आप सिलेक्ट करना होगा ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव को, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया से ट्रेविस हेड और ग्लेन मैक्सवेल को। ये सारे बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं और ये सेफ जोन के प्लेयर हैं, तो इनको आप सिलेक्ट कर सकते हैं SL के लिए, ठीक है, SL विन करने के लिए, ठीक। सो चलिए अब बात करते हैं ग्रैंड लीग के लिए। तो ग्रैंड लीग में मैंने पहले से बोला कि आपको रिस्क लेना होगा, अगर आप रिस्क लेते हैं तो आप ग्रैंड लीग विन कर पाएंगे। और इंडिया से जो है ग्रैंड लीग में आप सिलेक्ट कर सकते हैं रिंकू सिंह और रवि बिश्नोई को, और ऑस्ट्रेलिया से टीम डेविड और नाथन एलिस को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, ये आपके ग्रैंड लीग के प्लेयर हो जाते हैं जीएल के, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा डेथ ओवर बॉलर, तो डेथ ओवर बॉलर में आप किसे सिलेक्ट करेंगे ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा पॉइंट मिले बॉलिंग से, विकेट से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा इंडिया से आप सिलेक्ट करेंगे हर्षदीप सिंह को, और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया से सिलेक्ट करेंगे जे बैरनडॉफ और नाथन एलिस को, ठीक है। सो और भी प्लेयर हैं जिसको आपको सिलेक्ट करना है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं टीम में आपको मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कैप्टन वाइस कैप्टन, तो कैप्टन वाइस कैप्टन में आपको सिलेक्ट करना है रिंकू सिंह, यशस्वी जायसवाल, सूर्य कुमार यादव, ट्रेविस हेड और ग्लेन मैक्सवेल। ये सारे प्लेयर को आपको कैप्टन वाइस कैप्टन बना लेना है सभी टीमों में, 5 to 6 टीम में आपको कैप्टन वाइस कैप्टन बना लेना है। आप कैसे बनाना है, तो यहाँ पे जो है इन दोनों को आपको सिलेक्ट करना है फर्स्ट टीम में, ये आपके फर्स्ट टीम का कैप्टन वाइस कैप्टन हो जाता है रिंकू सिंह और यशस्वी जायसवाल। यशस्वी जायसवाल और सूर्य कुमार यादव ये आपके सेकेंड टीम का कैप्टन वाइस कैप्टन हो जाता है। उसके बाद थर्ड टीम का आपका हो जाता है ट्रेविस हेड और सूर्य कुमार यादव, ठीक है, तो ये आपके थर्ड टीम का हो जाता है। फिर आप ट्रेविस हेड और यशस्वी जायसवाल के साथ जा सकते हैं, ये आपके फोर्थ टीम का हो जाता है। सो इस तरह से आप सभी टीमों में रोटेट कर लेंगे, ठीक है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा एक टीम, उस टीम में आपको मिल जाएंगे 5 से 6 टीमों का कैप्टन वाइस कैप्टन। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि हमने किसे सिलेक्ट करा है इस टीम में, ठीक है। तो सबसे पहले हमने सिलेक्ट करा है ईशान किशन को, आपको ईशान किशन को विकेट कीपर में सिलेक्ट कर लेना है, या फिर जॉस इंग्लिश को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बैटर में हमने सिलेक्ट करा है एश स्मिथ, टी हेड और यहाँ पे गायकवाड़, जायसवाल। आप यहाँ पे एक और प्लेयर बढ़ा सकते हैं रिंकू सिंह, इनमें से एश स्मिथ को ड्रॉप करके जा सकते हैं आप रिंकू सिंह के साथ, ठीक है। सो अब बात करते हैं ऑलराउंडर की, तो ऑलराउंडर में हमने मैक्सवेल और अक्षर पटेल को सिलेक्ट करा है। तो इसके अलावा जो है आप किसी और के साथ भी जा सकते हैं, लेकिन ये आपके लिए बेटर होगा, ये बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं और बॉलर भी, ठीक है, तो इन दोनों को आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे अब बात करते हैं बॉलर की, तो बॉलर में एडम जम्पा, जे बैरनडॉफ, ए सिंह और बिश्नोई को हमने सिलेक्ट करा है। आप चाहें तो आवेश खान के साथ जा सकते हैं अगर आप ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आपके पूरे टीम बन जाते हैं। टीम बनने के बाद बारी है कैप्टन और वाइस कैप्टन की, तो 5 से 6 टीमों का कैप्टन वाइस कैप्टन आपको यहाँ पे मिल जाता है। फर्स्ट टीम का कैप्टन वाइस कैप्टन आपको यहाँ पे मिल गया होगा यशस्वी जायसवाल और जे बैरनडॉफ, ये आपके फर्स्ट टीम का कैप्टन वाइस कैप्टन तैयार हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे अक्षर पटेल और मैक्सवेल को आपको बना लेना है, ये आपके सेकेंड टीम का हो जाता है कैप्टन वाइस कैप्टन, ठीक है। और यहाँ पे टी हेड और जायसवाल को बना लेना है, ये आपके हो जाते हैं थर्ड टीम के कैप्टन वाइस कैप्टन। ईशान किशन और यहाँ पे जायसवाल को बना लेना है, ये आपके फोर्थ टीम के कैप्टन वाइस कैप्टन हो जाते हैं। गायकवाड़ और यहाँ पे टी हेड को बना लेना है, ये आपके फिफ्थ टीम के कैप्टन वाइस कैप्टन हो जाते हैं। और आ जाते हैं यहाँ पे बॉलर में, तो बॉलर में से आपको सेलेक्ट करना है बिश्नोई और अर्शदीप सिंह को, इनको आपको कैप्टन वाइस कैप्टन बना लेना है,
ये आपके सिक्स टीम के कैप्टन वाइस कैप्टन हो जाता है। अगर इससे ज़्यादा टीम अगर आप बना रहे हैं सिक्स से ज़्यादा टीम, तो अर्शदीप सिंह और एडम जंपा के साथ भी आप जा सकते हैं, ये आपके सेवन टीम का कैप्टन वाइस कैप्टन तैयार हो जाता है। सो कुछ इस तरह से आप चाहें तो पॉज करके देख सकते हैं। अगर आपने रिंकू सिंह को सिलेक्ट कर रखा है तो हम आपको बोलेंगे कि यहाँ पे आप यशस्वी जायसवाल और रिंकू सिंह के साथ जा सकते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन में, या फिर ऋतुराज गायकवाड़ और रिंकू सिंह के साथ जा सकते हैं, ठीक है। सो कुछ इस तरह से हो जाता है, आप इसे पॉज करके देख सकते हैं। सो चलिए आगे बढ़ते। सो अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, साथ में बेल आइकन दबा दीजिए और कमेंट कर दीजिए। और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा हमारा टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम यूजर आईडी, ठीक है, इसे आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम को। वहां पे आपको मिलेंगे बिल्कुल फ्री वाला टीम और फैंटेसी से रिलेटेड सारे अपडेट्स बिल्कुल फ्री में, तो जाके ज्वाइन करिए। और ये हमारा यूजर आईडी है टेलीग्राम का। और अगर आप यहां से नहीं पहुंच पा रहे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर लें, हमें आपके लिए बेस्ट होगा लिंक से जाना। तो आप जाएं लिंक से ज्वाइन करें और हमारे टेलीग्राम पे आपको बिल्कुल फ्री में टीम मिल जाएगा, ठीक है। और सेम हमारा जो है यूजर नेम इंस्टाग्राम का भी है, आप वहां भी ज्वाइन कर ले, हमारा कोई फेसबुक पेज वगैरह नहीं है, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही, जय जय भारत।